दादा आप साफ करते रहोगे और लोग कचरा करते रहेंगे, अरे कुछ नहीं होगा इस देश का। देखा? हाँ हो सकता है, बस थोड़ी और सफाई करनी पड़ेगी। कैसे? ये आपका खत आया है। किसका है? किसी भारत ने भेजा है। भारत? हमारे गांव में तो कोई भारत है नहीं। मैं किसी भारत को नहीं जानती। पढ़ लो, शायद कोई पहचान वाला हो। सदर प्रणाम। शायद आप मुझे पहचानते नहीं हो, पर मैं आपको जानता हूं बहुत करीब से। कई बार कई जगहों पर हम मिल भी चुके हैं। और हर मुलाकात एक याद बनती गई। याद है जब वह मिश्रा की बीवी जब तो उसे कूड़ा फेंक रही थी, तब आप ही ने तो उसे डांटा था। गांधी चौराहे के सामने वाली दीवार पर जब वो आदमी थूक रहा था, तब आप ही ने तो उसे रोका था। किसी दूसरे ने फेंका हुआ कचरा जब आपने उठाकर कचरे के डिब्बे में डाला था ना, तब मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ था कि आज का नौजवान भी मेरी इतनी कदर करता है। आपके बहुत एहसान है मुझ पर, नहीं तो बोला कौन सोचता है इन छोटी छोटी बातों के बारे में। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका मेरी इतनी इज्जत करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी तरक्की के खातिर आपके इस छोटे कदम के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मुझे महान बनाने के लिए आपका प्रिय भारत। सच बात बताओ मोहन दादा, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से। मुबारक हो मोहन दादा, अरे अपना दिल साफ हो रहा है। हाँ पर और एक खत देना बाकी है। अब कौन? ये आपका खत आया है, किसी भारत ने भेजा है। Thank you.